हाय दोस्तों, आज हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करेंगे उस मूवी का नाम है लव मॉकटेल। अभी जस्ट मैंने इस फिल्म को देखकर बस उठा हुआ और मैंने बस कैमरा सामने रखा और इसके बारे में डिस्कस कर रहा, क्योंकि ये उन फिल्म में से है जिसके बारे में अगर आपके जो अल्फाज है, आपके जो वर्ड्स है, वो कम पड़ जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट 10 सालों में मैंने कोई एक ऐसी फिल्म देखा होगा जिस फिल्म में मैं पूरी तरह से खो गया। मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि यार मेरे जितने भी व्यूअर्स है वो कैनेडा ऑडियंस है तो मैं उन लोग खुश करने के लिए बोल रहा हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं। आज मैं जिस फिल्म को देखा हो ना, ये एक फिल्म नहीं है दोस्तों, ये एक फीलिंग है। ये फीलिंग है आधी की, जिसको आप जब देखोगे तो ऐसा लगेगा कि मतलब आप पूरी तरह से इस फिल्म में खो गए और आप बस यही चाहते हो कि आधी के साथ सब कुछ अच्छा हो जाए और फाइनली आधी अपनी लाइफ में सेटल हो जाए। लेकिन क्या कुछ होता है उनकी लाइफ में और क्या कुछ हमें इस मूवी में देखने को मिलता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी, लव मॉकटेल। मैंने इस मूवी से एक्सपेक्ट नहीं किया था वो चीजें मुझे इस फिल्म में देखने मिली, जो कि यार मेरे लिए मतलब आज इतना इमोशनल मैं फील कर रहा हूँ अंदर से कि मैं आज आपके सामने बयां भी नहीं कर सकता। इस फिल्म में आपको कॉमेडी देखने को मिलेगी, इस फिल्म में आपको रोमांस देखने को मिलेगा, इस फिल्म में आपको इमोशनल सीन्स देखने को मिलेंगे और एक बढ़िया कहानी देखने को मिलेगी। और स्पेशली जब ये फिल्म स्टार्ट होती है, जो जिस तरह से जब आदि अपनी कहानी बताना शुरू करते हैं, उसके बाद ये फिल्म नहीं रहती है, उसके बाद ये एक आदि की लाइफ शुरू हो जाती है। उसके बाद आप कहीं ना कहीं अपने आप को आदि की लाइफ का एक हिस्सा मानने लगते हो। कुछ लोग तो आदि से खुद को भी रिलेट करेंगे, कुछ लोग आदि का एक दोस्त मानेंगे खुद को। यार बहुत कुछ इस मूवी में है जो आई थिंक मैं यहाँ पर बता नहीं सकता हूं। मैं बस इतना बोलूंगा कि आज मैं कुछ ये वो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि आज एक्चुअली मैं उस स्थिति में नहीं हूं कुछ बोलने की, क्योंकि यार ये मूवी ने मुझे पूरा क्लीन बोल्ड कर दिया है और मुझे नहीं लगता कि मैं इस फिल्म से अभी कुछ दिनों तक बाहर निकल पाऊंगा। और स्पेशली मैं आदि की बात करूंगा, जिसका यहाँ पर रोल प्ले किया डार्लिंग कृष्णा ने। उन्होंने इस फिल्म में काम नहीं किया बल्कि उन्होंने इस फिल्म को जिया है। और जब आप इस फिल्म को देखोगे तो आपके लिए ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि बहुत कुछ हो जाएगी, और स्पेशली आप इतना ज्यादा इस फिल्म से कनेक्ट हो जाओगे कि ये फिल्म आपके दिलो दिमाग में काफी दिनों तक, महीनों तक, और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी की ये सबसे बढ़िया फिल्म में से एक फिल्म बन जाएगी। क्योंकि मैंने जब इस फिल्म को देखा तो सीरियसली बोल रहा हूँ, जब भी फिल्म शुरू होती है लगभग 10 से 15 मिनट के बाद इतना मतलब आप कहीं खो से जाते हो इस फिल्म में कि मतलब बाहर आना मुश्किल है, और आप बस कहीं ना कहीं आदि से इतने ज्यादा जुड़ जाते हो। मुझे पर्सनली किसी भी फिल्म में मैं किसी कैरेक्टर के साथ इतना ज्यादा कनेक्ट नहीं हुआ जितना इस फिल्म में लव मॉकटेल में मेरे साथ हुआ है। मैं तो इतना बोलूंगा कि इस फिल्म में मुझे सब कुछ अच्छा लगा। फिर भी परफॉर्मेंस की बात करो तो मुझे डार्लिंग कृष्णा एस आदि बहुत ही शानदार रोल निभाया उन्होंने। उसके अलावा इस फिल्म मूवी में आपको बहुत ही जबरदस्त सॉन्ग्स देखने को मिलेंगे। आज समझ में नहीं आ रहा कि मैं आज बोलूं क्या, सही में मैं स्पीचलेस हो चुका हूँ। और अगर ये वीडियो 10 लोग, 20 लोग, 25, 50, 100 लोग, 500 लोग भी देखेंगे तो मैं उनसे इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज एक बार कोई भी लैंग्वेज की आप मूवी देखते हो, चाहे वो हिंदी ऑडियंस हो या मलयालम हो या कन्नडा, तेलुगु, जो भी लैंग्वेज की आप मूवी देखते हो, एक बार लव मॉकटेल देखिए। ये मूवी आपको Amazon प्राइम वीडियोस पे मिल जाएगी विद इंग्लिश सबटाइटल। ये एक फिल्म नहीं है, ये उससे भी कई ज्यादा बढ़कर है और ये एक मास्टरपीस है। और मैं तो बोलता हूँ कनाडा सिनेमा ने 2020 में इतनी ज्यादा हिट्स अभी तक के दे दिया है कि मतलब कोई भी इंडस्ट्री उसके लेवल पे अभी फिलहाल है ही नहीं। और ये जो मूवी है ये मूवी नहीं है, ये कुछ और ही चीज थी, और ये तो मैं तो बोलूंगा फीलिंग्स है। अगर आप दिल से इस फिल्म को देखोगे तो आपके दिल तक ये फिल्म पहुंचेगी और ये फिल्म आपकी जिंदगी की बेस्ट फिल्म बन जाएगी। तो ये फिल्म में सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा, लोकेशन बहुत अच्छे थे, डायरेक्शन बहुत अच्छा था, तो बस यार एक मास्टरपीस है। बस मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में, दिल जान दुआ में याद रखना। मैं हूँ राशिश शेख और आप सब है अरहान एंटरटेनमेंट में। तो यार मिलते हैं कल किसी नए वीडियो में, दिल जान अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखें।